चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर में कथित रूप से हुई बलात्कार के बाद यहां से बिहार और यूपी के लोगों को जबरदस्त तरीके से मारा पीटा जा रहा है, यानी कि यूपी बिहार के लोगों को जबरदस्ती उनके घर से निकाल के मारा जा रहा है, साथ ही साथ रास्ते में उनको जम के पिटाई किया जा रहा है। इस पर मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और गुजरात में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के कई लोगों पे हमले जारी है। 28 सितंबर को हिम्मतनगर के एक गांव में 14 साल की एक बच्ची को कथित रूप से बलात्कार किया गया। इस मामले में बिहार के रहने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक बिहार के रहने वाले लोगों को भी जबरदस्ती इसका निशाना बनाया जा रहा है। इस पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जमकर मारने वाले को खरी खोटी सुनाया। उन्होंने कहा है कि गुजरात किसी के बाप का नहीं है, बल्कि गुजरात हम सभी लोगों का है। बिहार यूपी वाले ही लोगों को मालिक बनाते हैं और उनके फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर वो लोग उनके फैक्ट्रियों में काम नहीं करे तो उन लोगों का खाना पीना तक बंद हो जाएगा। इस पर खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर कई सारी अहम जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया पर नजर आए। साथ ही साथ इस वीडियो को भारी मात्रा में खेसारी लाल यादव के फैन सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहारियों पर मारपीट होने पर सभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी ज्यादा नाराजगी गुजरात के लोगों पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी से बात की और घटना पर चिंता व्यक्त भी किया है, लेकिन इस पे अभी तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। वैसे आपको बता दें कि यूपी बिहार के लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और करीब 361 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।